हेलो गाइस, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल S4 एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं मैथ्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे से इसको सीखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ टू इन बिटवीन 1 to 100 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि 1 से 100 के बीच में 2 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, गुणांक हैं, जो 3 के नहीं है, जो 3 के गुणांक नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन में ये आपको फाइंड आउट करना है, 2 के गुणांक 1 से 100 के बीच में 2 के गुणज यानी मल्टीपल जो है फाइंड आउट करना है, बट वो 3 का नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस हैं 50, 34, 18 और 22। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम 0 से 100 तक में ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। इसमें 1 to 100 बोला है, बट हम 0 से 100 फाइंड आउट करेंगे। तो जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका है मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। तो 100 माइनस 0 100 ही रहेगा फ्रेंड्स, तो यहां आएगा 50। इसका मतलब है 0 से 100 के बीच में 2 के कितने मल्टीपल्स हैं, 50 मल्टीपल्स हैं, मतलब 50 गुणांक है इसके। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 2 और 3 के, 0 से 100 के बीच में 2 और 3 के कितने गुणांक है, 2 और 3 के, तो वो देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 and 3 दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। 2 और 3 बोले तो मल्टीपल ऑफ 6, 2 into 3 दैट इज 2 into 3, 2 into 3 6 हो जाएगा। तो हम 6 का मल्टीपल निकालेंगे 0 से 100 के बीच में, मल्टीपल ऑफ 6। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें इंटीजर्स ही लेना है। डिवाइड करने पर भले पॉइंट में आए आंसर, बट इंटीजर्स ही लेना है। जैसे ये 100 अपॉन 6 आ रहा है, तो 100 अपॉन 6 को हम डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 टाइम्स जाएगा। आगे डेसिमल होगा तो डेसिमल नहीं लेना है, 16 ही लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 16 हो गया। तो देखिए यहां पर 0 से 100 के बीच में 2 के मल्टीपल 50 है। ये पूछा 1 to 100 है, बट हमको फॉर्मूले में 0 रखना है, तो वो 50 है। और मल्टीपल ऑफ 2 and 3 1 to 100 के बीच में, वो मल्टीपल ऑफ 2 and 3 मतलब 6। तो 6 से ये फॉर्मूला लगाया तो 16 आया। 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि आगे डेसिमल आएगा, तो हमको वो नहीं लेना है, हमको इंटीजर ही लेना है, पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक 16 हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसे मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो 2 का है बट 3 का नहीं है। तो ये 3 का है और ये 2 का है, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है। सो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? आंसर के लिए हमें 50 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा। तो 50 में से 16 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, 50 माइनस 16 34। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 145 इफ फर्स्ट नंबर इज 5 देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर 145 है। उसमें से एक नंबर अगर 5 है तो दूसरी नंबर क्या होगी फ्रेंड्स? ये भी एग्जाम्स का आया हुआ ही क्वेश्चन है।
बट ये बहुत इजी लग रहा है, ये आप लोग कर लेंगे। तो चलिए फिर भी इसको सॉल्व करते देखते हैं। ऑप्शंस है 39, 27, 29 एंड 31। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 145, जब इस तरह का क्वेश्चन आए और उसमें से दो नंबर्स में से कोई भी एक नंबर देकर दूसरी नंबर पूछ रहा हो, या पहला देकर दूसरा पूछ रहा हो, या दूसरा नंबर देकर पहला पूछ रहा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में प्रोडक्ट को, और डिवाइड में रखते हैं डिनोमिनेटर में जो उसमें से नंबर दिया हो। जैसे यहां फर्स्ट नंबर दिया है तो यहां फर्स्ट नंबर रख देंगे, फर्स्ट नंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोडक्ट क्या है, यहां प्रोडक्ट है 145 और उस फर्स्ट नंबर है 5, इससे हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 145 अपॉन 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 5 2 जा 10, यहां पर 4 बचा 45 हो गया, और 5 9 जा 45, तो सेकंड नंबर फ्रेंड्स 29 आ गया। ओके गाइज आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, मैंने इसको बोला ही था कि बहुत इजी है। और इस तरह से देखेंगे तो ये 29 आंसर हो गया, और 29 आंसर ये कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी में है, तो सी राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ 4/5, 7/8, 6/7 विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो फ्रेंड्स इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। यहां पर तीन भिन्न दी हुई है, देयर आर 3 फ्रैक्शंस, 4/5, 4/5, 7/8, 6/7। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों में से कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके ऑप्शंस हैं 4/5, 7/8, 6/7 एंड ऑल इक्वल। ऑप्शन डी है ऑल इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसको जो है एक सॉल्व करने का मेथड तो यह है कि सीधा सीधा इसको 4/5 को डिवाइड कर दे। तो देखिए डिवाइड करेंगे 4/5 को, तो 4/5 यानी 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। इसी तरह से 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.875, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। सिमिलरली 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.857। ओके फ्रेंड्स तो यहां पर डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है हमें। देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू ये है 0.875, और 0.875 सबसे बड़ी है, मतलब 7/8 बड़ा है सबसे भिन्न। तो ये जो फ्रैक्शन है 7/8 ये सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बट इस तरह से डिवाइड करना अगर किसी को ज्यादा वो पड़ता है, टफ पड़ता है, तो देखिए इसका एक मेथड और है कि हम इन सभी जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं तीनों उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का देखिए मेथड क्या है, जैसे यहां पर 5 है तो इन दोनों से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 4 है तो ये पहला 4 है, तो 4 को हम 8 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और 7 इन दोनों से, और नीचे भी वही हो जाएगा, तो 5 × 8 × 7 ये। और सिमिलरली 7 है तो यहां पर 8 छोड़ देंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5 × 7 हो जाएगा, 5 और 7 जिसके अपॉन में जो है उसको छोड़कर बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां अपॉन में भी वही कर देंगे 8 × 5 × 7। सिमिलरली ये देखिए यहां अपॉन में 7 है तो 7 छोड़ देंगे, 5 × 8 से कर देंगे तो 6 × 5 × 8 ये हो जाएगा अपॉन 7 × 5 × 8। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो डिनोमिनेटर है सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को अब नहीं लिखना है, बस हमें जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहां देखिए ये 4 8 जा 32, 32 7 जा 32 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 × 7, तो 7 2 जा 14, 14 और 7 3 जा 21, 21 और प्लस 21 प्लस 1
22 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 224 हो गया। अपॉन में अब नहीं लिखना, अपॉन में क्या नंबर है डिनोमिनेटर में वो नहीं देखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 75 जा 35 या 77 जा 49 कर लीजिए, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 जा 49 और 49 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 इंटू 5, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 59 जा 45, 5 का 5 और 54 जा 20, 20 प्लस 4 245 हो गया ये। सिमिलरली ये देखिए 65 जा 30 और 30 इंटू 8, तो 83 जा 24, तो ये हो गया 240। अब देखिए फ्रेंड्स 224, 245 और 240, इन तीनों में कौन बड़ा है सबसे वैल्यू, तो 245 बड़ी है, 245 है मतलब मिडिल वैल्यू है, देखिए 7/8, तो फिर वही 7/8 आया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड, कभी कभी ऐसे बड़े सम आ जाते हैं कि डिवाइड करना थोड़ा भारी पड़ता है, तो इस तरह से डिनोमिनेटर सेम करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 245 ये ग्रेटेस्ट है, तो अपना आंसर हो जाएगा 7/8। ओके फ्रेंड्स, 7/8 इज द आंसर एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यस गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 64:1 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो फ्रेंड्स इसमें यह कह रहा है कि दो घन है, उनके वॉल्यूम्स का जो अनुपात है, उनके आयतन का अनुपात है 64:1, 64:1। तो कह रहा है कि इनकी साइड्स का, ये दोनों जो घन है इनकी साइड्स यानी इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इनकी साइड्स का अनुपात यानी साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं 4:1, 2:1, 8:1 एंड 64:1। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये बताइए आप लोग को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला आता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स मींस घन का आयतन। तो देखिए फ्रेंड्स, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, ये फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर इसको मैं लिखूं इंग्लिश में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहां साइड्स का रेशियो निकालना है, तो हम यहां साइड निकाल लेते हैं, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, वहां जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स का रेशियो दिया हुआ है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यूब रूट 64 अपॉन क्यूब रूट 1। ओके फ्रेंड्स, तो क्यूब रूट 64 मतलब 64 किसका क्यूब है ये आपको देखना है, और 1 किसका क्यूब है ये देखना है, यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए यहां पर देखिए फॉर्मूला मिला ना, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना है, तो वॉल्यूम है 64 तो उसका क्यूब रूट ले लिया, और एक वॉल्यूम है 1 उसका क्यूब रूट ले लिया, तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है फ्रेंड्स, और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया फ्रेंड्स 4:1। तो देखिए फ्रेंड्स 4:1 ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 4:1 ये आंसर हो गया, और ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% सक्सेसिव डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर दो डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, दो डिस्काउंट आपको लगातार दो डिस्काउंट मिल रहे हैं 30% और 40%, तो उनके बिहाफ में उसका नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑप्शंस है 40, 48, 42, 58। तो इसको सॉल्व करने का मेथड जो है फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे हैं। देखिए इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक्स ये है कि दोनों डिस्काउंट को पहले ऐड करते हैं,
पहले ऐड करते हैं दोनों डिस्काउंट को। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40%। दो नेट डिस्काउंट इसको मिल रहे 30% और 40% के, तो उसके बिहाफ में सक्सेसिव डिस्काउंट के बिहाफ में ये नेट डिस्काउंट क्या होगा ये बताना है। तो हमने बताया कि इसका मेथड ये है कि दोनों डिस्काउंट को पहले ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए 30 और प्लस 40, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर माइनस करते हैं, दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करके दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, 30 × 40 और अपॉन में 100 कर देते हैं। इस तरह से इसका शॉर्टकट ट्रिक्स है फ्रेंड्स। तो देखिए 30 + 40 = 70 हो जाएगा और माइनस, ये देखिए दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 70 − 12 58 होगा फ्रेंड्स। तो ये 58 इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, और 58 आंसर देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए, देखते हैं इसमें 58 आंसर आया, बट इसमें और इसका और शॉर्टकट में करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। यहां देखिए जो डिस्काउंट दिए हैं, जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, इनको पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करके इन नंबर्स को, ये देखिए जो 3 और 4 है, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, तो 70 आ जाएगा, और 70 में माइनस करना है केवल 3 और 4 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये सब मत करिए अपॉन में 100, 3 और 4 को जो यहां नंबर दिए हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, सिंपली माइनस कर दीजिए, तो 70 − 12 58 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और भी शॉर्ट टाइम में हो जाएगा ये, तो इसका आंसर है 58 जो कि ऑप्शन डी में है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 58। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।